जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर। ओके, आज का जो चैप्टर हमारा चैप्टर 20 है और चैप्टर का नाम है नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सेशन क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। ऑलरेडी जो बच्चे सेशन को अटेंड नहीं किए, मींस जो बच्चे नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड कवर नहीं किए हैं, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, जा करके प्लेलिस्ट में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि अपकमिंग एग्जाम हो गया, एग्जाम में कैसे लिखोगे उससे रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन होता है, मान लेते हैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा आपसे व्हाट इज नेचुरल रीजन। तो रीजन की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, रीजन की बात हो रही है, मींस क्या हो जाएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सरफेस। मींस रीजन का मतलब क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सरफेस। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा नेचुरल रीजन रिफर्स टू अ पार्ट ऑफ आवर सरफेस। ओके, अब यहाँ पे नेचुरल रीजन की बात होगी ना, तो यहाँ पे होमोजेनियस कंडीशन की बात होगी। क्या होगी, होमोजेनियस कंडीशन मींस यूनिफॉर्मिटी की बात होगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विच हैज कंपैरेटिवली हाई डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्ट्रक्चर सरफेस फॉर्म एंड द क्लाइमेट विद इन। तो आपको बताना पड़ेगा दैट इज नेचुरल रीजन क्या होता है, इट इज अ नेचुरल, इट इज अ कंडीशन और इट रेफर्स टू अ पार्ट ऑफ अवर सरफेस विच हैज अ कंपैरेटिवली हाई डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी। मींस यहाँ पे बात होगी होमोजेनियस की बात होगी ऑफ किसका, स्ट्रक्चर का, सरफेस फॉर्म का, क्लाइमेटिक कंडीशन का। ओके, नाउ एवरी नेचुरल रीजन इज अ होमोजेनियस यूनिट। नाउ यहां पे बताना पड़ेगा कि जितना भी नेचुरल रीजन हम लोग पढ़ेंगे वो एक होमोजेनियस कंडीशन होता है, होमोजेनियस यूनिट है। उसमें क्या, इन विच द क्लाइमेटिक कंडीशन, द सोइल, नेचुरल वेजिटेशन एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज आर यूनिफॉर्म। मींस एक नेचुरल रीजन में क्या होगा, वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगा, वहां का जो सोइल होगा, वहां का नेचुरल वेजिटेशन होगा एंड ह्यूमन एक्टिविटीज होगा, वो सब एक यूनिफॉर्म होगा, इसलिए इसको बोला जाता है नेचुरल रीजन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी फोर नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको कम से कम चार नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड अब बताना है। तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके 12, उसमें से कम चार मेंशन कर देना है। ठीक है, तो पहला फोर नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल डेजर्ट एंड द मेडिटेरेनियन रीजन। तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है, व्हाट इज ब्रीफली स्टेट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइमेट एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज। देखो देखो बच्चों, ये आप ऑटोमेटिकली खुद समझ सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज। देखो ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या होता है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज, जो हमारा जो प्राइमरी एक्टिविटीज होता है वो डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर। ठीक है, अब कैसे, मान लेते हैं यहाँ पे अगर हमारा जो अभी हम लोग किसी इंडिया हमारा किसी मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में आता है, तो हम लोग जनरली क्या करेंगे, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जैसे समर कंडीशन में क्या हम लोग एक हमारा जो प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सब डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बातें हो रही कि देयर इज ह्यूमन रिस्पॉन्सेस, सो दैट इज ह्यूमन का जो रिस्पॉन्स होता है और ह्यूमन का जो एक्टिविटी होता है, दैट हैज अ ब्रॉड रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइमेटिक कंडीशन। ओके, the relationship between the climate and the human activities is the striking in reason. okay, means यहाँ पे बातें हो रही है कि जो human activities और climatic होगा ये decide करेगा वहाँ का जो primary condition, लोग वहाँ पे जो रहते हैं, वहाँ जो people हैं वो अपना काम क्या करेंगे। ठीक है, तो where the primary activities like the agriculture, animal husbandry and the forestry are dominated, means यहाँ पे बातें हो रही है कि जो वहाँ पे जो लोग हैं, एक natural reason की बात कर लेते हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनका जो primary activities होगा वो किस पे depend करेगा, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, मींस दे इट हैज अ ब्रॉड रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड दीज एक्टिविटीज आर गवर्न्ड डायरेक्टली बाय द क्लाइमेटिक कंडीशन। तो वहां मींस बात यही हो रही है कि वहां का जो भी एक्टिविटीज होगा, इवन द प्राइमरी एक्टिविटीज, दैट आर डायरेक्टली आर डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें, ईच क्लाइमेटिक टाइप इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सर्टेन क्रॉप। तो हर क्लाइमेटिक टाइप क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए सुटेबल होता है, एज द क्रॉप्स कैन टॉलरेट सच रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड नीड सेट अ मिनिमम वाटर सप्लाई। तो देखो हर नेचुरल रीजन में क्या होती है, वहां के क्या होगा, एक टेम्परेचर होगा, वहां के एक हमारा कितना रेनफॉल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक हमारा नेचुरल रीजन इज गोइंग टू डिवाइड, उसके अकॉर्डिंग वहां पे एक पर्टिकुलर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स डिफाइन होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस, देयर इज अ ब्रॉड रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द स्टेट द लोकेशन ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन। तो ये आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज द स्टेट, मींस आपको बताना पड़ेगा कि जो इक्वेटोरियल रीजन है कहां से कहां लाई करता है। तो ये बेसिकली द इक्वेटोरियल रीजन इज गोइंग टू एक्सटेंड बिटवीन 0 डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। मींस कोई कोई बुक में आपको दिया हुआ है, ऑलरेडी आपको कहीं दिया रहेगा 0 टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो बोथ आर करेक्ट। ओके, नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ दैट इज व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. आपको बताना है व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मॉनसून क्लाइमेट. ओके तो बच्चों आप कब जब भी कोई भी क्लाइमेटिक टाइप अगर बता रहा है ना तो आप सिंपल से वर्ल्ड मैप बनाइएगा तो इससे क्या होगा आपका विजुलाइजेशन क्या होगा पता चल जाएगा कि अच्छा मॉनसून के बारे में बात हो रही है तो इंडिया तो कम से कम तो आएगा ही. ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं एक लमसम मीन अप्रोक्स आप लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बना सकते हैं. ओके Now, tropical monsoon climatic region is normally located between 10 degree to 25 degree north and south of the equator. और इंडिया इन इंडिया इट एक्सटेंड्स अप टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में क्या होता है अप टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एक्सटेंड होता है बट नॉर्मली इनका जो लोकेशन होता है दैट इज फ्रॉम 10 डिग्री टू 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड. ओके बच्चों नाउ अगला क्वेश्चन हमारा है दैट इज नेम द टू डोमिनेंट टाइप ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन. तो इक्वेटोरियल रीजन में एक बताना है कि वहां का डोमिनेंट जो वेजिटेशन है वो क्या क्या है. तो टू डोमिनेंट नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इक्वेटोरियल रीजन आर इबोनी एंड द महागोनी. ये यहाँ पे देख सकते हैं काफी महंगा ये काफी महंगा वुड्स होता है. ठीक है इबोनी एंड महागोनी. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्टेट द लोकेशन ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेटिक टाइप. आपको बताना है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ अ ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेटिक टाइप. द लोकेशन ऑफ द ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेटिक टाइप इज फ्रॉम 15 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड. तो इनका एक्सटेंशन कहां से होगा फ्रॉम 15 डिग्री से 30 डिग्री तक नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द लैटिट्यूड एंड दे लाइज टू द वेस्ट ऑफ द लैंड मासेस. तो आपको ये आप ऑलरेडी इस तरह का हम लोग एक चार्ट पढ़े थे. ठीक है ऑलरेडी अगर नहीं जो बच्चे यहाँ पे नहीं समझ पा रहे वो क्या करें एक बार प्लीज प्लेलिस्ट जाके देखिए. तो यहाँ पे मैं समझाया था कि ये जो हमारे जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है इट इज गोइंग टू लाई इन द वेस्टर्न मास ऑफ द यहाँ पे. ठीक है यहाँ पे लाई करेगा. ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज ज़ेरोफाइटिक प्लांट. तो ज़ेरोफाइटिक प्लांट क्या होता है दैट इज दीज प्लांट्स आर एडॉप्टेड टू अलाइड कंडीशन. तो ये जो प्लांट होते हैं ये बेसिकली दे आर गोइंग टू लिव और स्टे यहाँ पे कहाँ पे डेजर्ट में. ठीक है डेजर्ट में क्या होता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है रेनफॉल बहुत कम होता है. तो इन ऑर्डर टू मीन्स अब यहाँ पे क्या करेगा प्लांट अपने आप को एग्जिस्ट करने सर्वाइव करने के लिए ये अपने लीव्स को क्या करेगा लीफलेस बना लेगा. ठीक है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल स्मॉल स्पैक्स एंड स्टोर्स वाटर इन दिस. वाटर जो भी होगा यहाँ पे स्टोर करके किसमें रखेगा अपने स्टेम में रखेगा. तो पता है कि इससे क्या होगा इससे ट्रांसपिरेशन हमारा कम हो जाएगा. ट्रांसपिरेशन कम होने से क्या होगा प्लांट बेसिकली ट्रांसफर कहाँ से करता है फ्रॉम द लीव्स. अब लीव्स ही नहीं रहा तो क्या होगा यहाँ पे दैट इज दे आर नॉट गोइंग टू लूज वाटर इन इवन इन द एरिड कंडीशन. ओके सम प्लांट्स हैव लेदरी लीव्स. बताया जा रहा है बहुत सारे प्लांट्स का लेदरी लीव्स होता है एंड सम हैव द थ्रोन एंड स्टिल सम ऑफ द रिपंजेंट स्मेल एज अ मीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एनिमल ग्रेजिंग. तो बहुत सारे प्लांट क्या करेंगे अपने लीव्स को एक स्पाइक के फॉर्म बना लेंगे और सम ऑफ द प्लांट्स हैविंग द रिपंजेंट स्मेल मीन बहुत खराब स्मेल होगा. वाई सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट ग्रेजिंग एनिमल ग्रेजिंग ताकि एनिमल उसको खा ना सके. ओके फॉर एग्जाम्पल हमारा थ्रोनी कैक्टस बहुत फेमस एग्जाम्पल है थ्रोनी कैक्टस का. नाउ अगला क्वेश्चन है व्हाट लोकल कंडीशन प्रोड्यूस वेरिएशंस इन द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट. तो आपको बताना है कि लोकल कंडीशंस यहाँ पे क्या क्या वेरिएशंस होते हैं. तो एज द मेडिटेरेनियन रीजन इज गोइंग टू लाई इन बिटवीन द ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑन द इक्वेटोरियल वर्ल्ड एंड द कूल टेम्परेट वेस्ट मार्जिन ऑन द पोल वर्ल्ड. ठीक है इट शेयर्स अ समर ड्रॉट कंडीशन ऑफ द डेजर्ट एट लोअर लैटिट्यूड एंड रेन इन विंटर. तो यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगा वो बेसिकली क्या होगा ड्राई समर की बात हो रही है. ठीक है ड्राई समर होने वाला है और प्लस वेट विंटर की बात हो रही है. ठीक है मीन्स समर हमारा यहाँ पे क्या होगा ड्राई हो जाएगा और विंटर हमारा क्या होगा वेट हो जाएगा. मीन्स विंटर में हमारा रेनफॉल होने वाला है समर में हमारा कोई रेनफॉल नहीं होगा. ओके और वाई बिकॉज इट इज दिस मेडिटेरेनियन टाइप इज गोइंग टू लाई बिटवीन द ट्रॉपिकल डेजर्ट एंड द कूल टेम्परेट वेस्ट मार्जिन. ओके ये दो रीजन होते हैं इसके बीच में ये लाई कर रहा है. नाउ मेनी लोकल वेरिएशंस आर प्रोड्यूस इन द मेडिटेरेनियन रीजन और इन द मेडिटेरेनियन रीजन considerable east-west extent of the sea allows the westerly influence of the wind to penetrate deep into the Afro-African landmass. तो यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे जो westerly का influence होता है वो directly deeply influence करता है that is in the Afro-Africa that is Asian landmasses. On the account of the local condition and the intended coastline means talking about this line. Okay, many local variations of the winds are also produced. Now, westerlies and the temperate cyclones travels from west to east and bring rainfall in the decreasing order. Means, यहाँ पे rainfall जो होते हैं basically that is due to westerlies and the temperate cyclone. और क्या करेंगे?
ये वैरी करेंगे, सबसे ज्यादा हमारा कहाँ पे होगा, डेट इज फ्रॉम वेस्ट में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ईस्ट, ठीक है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा वेरिएशन क्या हो सकता है, इन द पोलर विंड्स मीन्स इन एडिशन कोल्ड पोलर विंड्स इन द विंटर आर ऑल्सो समटाइम्स ग्रोन इन द सर्कुलेशन और डिप्रेशन लाइक मिनस्टल्स, लाइक मिनस्टल्स डेट इज इन द रोन वैली ऑफ बोरा, रोन वैली, ठीक है, एंड बोरा डेट इज इन द नॉर्थ एड्रियाटिक सी रीजन एंड दे कॉज ग्रेट डिवास्टेशन। तो यहाँ पे बात हो रही है किसके बारे में, डेट इज ए मिनस्टल के बारे में बात हो रही है। ये काफी ज्यादा एक विंड होता है, लोकल विंड होता है, ठीक है, कहाँ पे, डेट इज इन द रोन वैली। अब बोरा डेट इज इन द नॉर्थ एड्रियाटिक रीजन, ठीक है, और ये जो लोकल विंड होता है काफी ज्यादा काफी ज्यादा अफेक्ट करते हैं पीपल को, ठीक है, और ये कौन सा विंड होता है, डेट इज कोल्ड पोलर विंड, ओके, एंड डेट इज इन द विंटर, तो मीन्स वहां का जो टेम्परेचर होता है और काफी ज्यादा खराब कर देता है ये दोनों विंड, ठीक है। सदर्न विंड्स लाइक सिराको डेट इज इन द नॉर्थ अफ्रीका आर हॉट एंड ड्राई, तो ये जो विंड है सिराको ये हॉट एंड ड्राई विंड है एंड दे आर कंसिडर्ड, ये जो विंड है दे आर गोइंग टू डैमेज द क्रॉप्स। And such weather patterns also occurs in Orange, that is in USA and California and the Cape Town and South Africa and the Central Chile. अगर आप मैप में देखें तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये चिली की बात हो रही है, नॉर्थ केप, साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, ये जो पूरा रीजन ये हमारा क्या, डेट इज अफेक्टेड बाई वाटर, अफेक्टेड बाई मेडिटेन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द रेनफॉल पैटर्न इन द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। The rainfall in the Mediterranean region is experienced mostly in winter. देखो हम लोग बात करें ऑलरेडी यहाँ पे क्या होता है, जो Mediterranean region पे जो हमारा rainfall होगा वो कहाँ पे होगा, कब होगा, that is in winter होने वाला है, तो इसके लिए इसको बोला था यहाँ का जो temperature है that is dry summer and wet winter. The annual average rainfall that is varies between 35 centimeter to 75 centimeter. तो ये किसके रीजन में, जैसे scanty rainfall होने वाला है यहाँ पे। The rainfall is more on the poleward side of the region. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि rainfall जो होगा सबसे ज्यादा that is on the poleward side, ठीक है, on the lower latitudes की बात हो रही है। The effects of this moderate rainfall is marked. Next is what is what type of vegetation is found in the Mediterranean region? तो देखो यहाँ पे already पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला, dry summer होने वाली है, तो dry summer होगा तो यहाँ पे जो forest होंगे, जो vegetation वो deciduous type होने वाला है, ठीक है, और dry summer के कारण यहाँ के जो vegetation होने वाले हैं they are going to withstand, they are going to have a long root and the thick bark. Why? In order to retain moisture. देखो, dry summer है, summer होने की वजह से अगर transpiration होगा तो वहाँ उनका जो root होगा वो काफी ज़्यादा deep होगा और उनका जो bark होगा that is they are going to thick. Why? In order to retain moisture in the dry summer month. Okay? Now, short stata, moisture retentive trees grow here especially during the citrus fruit. Means यहाँ पे बताया जो Mediterranean region है यहाँ पे short sort of fruits होंगे especially in the winter season. Now the dominant trees of the Mediterranean region of the Europe that is include oak, laurel, cork, oleander beech and olive is the most common trees. यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूरोप में जो Mediterranean region of Europe है इस region में basically कौन सा tree ज्यादा common पाए जाते हैं, हमारा olive tree हो जाएगा, ठीक है। Now North American Mediterranean region has dominant species of chestnut and maple and hemlock. तो यहाँ पे जो North America की बात हो रही है, नॉर्थ अमेरिका मीन्स नॉर्थ ये वाला रीजन, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ट्रीज या वेजिटेशन होंगे, बेसिकली रेड वुड ट्रीज जो है कैलिफोर्निया में ये काफी ज्यादा फेमस है, रेड वुड ट्रीज जो कि कैलिफोर्निया फॉरेस्ट में पाया जाता है, ये काफी ज्यादा फॉरेस्ट है। तो याद रखो मेडिटेरेनियन रीजन में कौन सा फेमस है, हमारा ऑलिव वाला है, और नॉर्थ अमेरिकन मेडिटेरेनियन रीजन में हमारा रेड वुड ट्रीज है, और टुवर्ड्स द पोल रीजन की बात करें और इन द हाईलैंड्स कॉनिफरस ग्रीन एवरग्रीन ट्रीज आर फाउंड, तो टुवर्ड्स द पोलर और हाईलैंड्स दैट इज दे आर गोइंग टू हैव अ कॉनिफरस एवरग्रीन फॉरेस्ट, ओके, और ट्रीज, और उसमें एग्जांपल में आया था सीडर, पाइन, फर एंड सिप्रेस आर द कॉमन वैरायटीज, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन हमारा बन जाता है नेम द सिक्स टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, तो पहला है दैट इज नेम द सिक्स टेम्परेट ग्रासलैंड दैट इज स्टेपीज, स्टेपीज दैट इज यूरोएशिया, आप देख सकते हैं स्टेपीज दैट इज इन द यूरोएशिया। Now about the pustas that is in Hungary, यहाँ पे देख सकते हैं Hungary, and wild that is wild कहाँ पे हमारा जगह that is in Africa, यहाँ पे देख सकते हैं wild, and prairies हमारा किसमें that is North America, and pampas that is in South America, and down that is in pampas हमारा down that is in Australia, okay, यहाँ पे दिख जाएगा, okay।
अगला क्वेश्चन है बच्चे हमारा कि व्हाट और व्हाई देयर आर नो ट्रीज इन द स्टेपीएस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाई देयर आर नो ट्रीज इन द स्टेपीएस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेनफॉल, लॉन्ग ड्रॉट एंड द सीवियर विंटर। यहाँ पे बेसिकली बताना पड़ेगा आपको, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा कम है, लॉन्ग ड्रॉट होता है, ठीक है, और सीवियर विंटर होने वाला, काफी ज्यादा ठंडा रहता है। तो ये जो रीजन है, दे आर नॉट गोइंग टू हैव अ ट्रीज, दे आर गोइंग टू हैव ओनली ग्रासलैंड। नाउ अगला क्वेश्चन हमारा पूछ लेता है व्हाट इज द क्लाइमेट इन द मेडिटेरेनियन रीजन सो कॉल्ड। तो व्हाई जो मेडिटेरेनियन रीजन जो उसको क्यों बोला जाता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा बिकॉज लार्ज स्ट्रेच, जो पूरा है लार्ज स्ट्रेच ऑफ द एरिया हैविंग सच क्लाइमेट लाइज इन द मार्जिन ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं लार्ज एरिया इज गोइंग टू लाई इन द अलोंग द मेडिटेरेनियन रीजन, दैट्स व्हाई द क्लाइमेटिक रीजन और द क्लाइमेट इन द मेडिटेरेनियन रीजन इज कॉल्ड मेडिटेरेनियन रीजन ऑफ क्लाइमेट। ओके, now the region having similarities in the mediterranean region are located on the western margin of the continent in the latitude that is between 30 degree to 45 degree north and south latitude। ab yahan pe inko batana hai ki inka jo latitudinal extent hoga that is from 30 degree to 45 degree north and south latitude। okay bachcho, agla dekho bachcho aaj थैंक यू दोस्तों, हम लोग ये शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। देखो बच्चे एग्जाम में कैसे कवर करना, मान लेते हैं कि टेम्परेट अगर इस तरह का डायग्राम बनाइएगा ना, तो इससे क्या होगा एग्जाम में काफी अच्छा लगेगा, ठीक है, कि आप पैररीज कहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, पंपास कहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, सवाना कहाँ पे होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। और विदाउट गोइंग थ्रू द योर डिस्ट्रिक्टिव आंसर, मीन्स आप जो लंबा लंबा आंसर लिखेंगे उसको ना जाते हुए वो एक डायग्राम को देखेंगे, तो उससे क्या होगा टीचर्स को समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है बच्चों, और फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है प्लीज सेशन को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।